देखिए दोस्तों, आपको कैमस्टिया ओपन कर देना है और इसमें ये थोड़ा सा वेट ले रहा है ओपन होने के लिए। ओपन होने के बाद दोस्तों, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको इसको दो मीडिया फाइल इंपोर्ट करनी है, एक जो आपका वीडियो पे फेड देना है वो नॉर्मल वीडियो, और एक जो रहता है वो ग्रीन इफेक्ट जिसको हमको देना है, जो भी आपने ग्रीन इफेक्ट वीडियो डाउनलोड किया है वो आपको ओपन कर देना है। ये दो वीडियो ओपन करने के बाद दोस्तों, आपको जो पहला वाला वीडियो है उसको आपको पहले ले लेना है ट्रैक वन में। ट्रैक वन में ड्रॉप करने के बाद दोस्तों, बाद में आपको ग्रीन वीडियो वाला जो है वो उसके ऊपर आपको ले लेना है। ये मेरी वीडियो है पहले वाली, इसके ऊपर हमें ग्रीन वीडियो का इफेक्ट देने वाले हैं। इधर देख सकते हैं आपकी वीडियो ऊपर लेने के बाद इसका जो साइज है ऊपर देख सकते हैं, अभी ग्रीन वीडियो दिख रहा है जो उसमें यूरोज गिर रहे हैं, तो उसको हम बड़ा कर लेते हैं पहले, तो क्योंकि हमको इफेक्ट पूरे स्क्रीन में ले लेना है, तो इसको हम ऊपर कर लेते हैं फुल स्क्रीन में। फुल स्क्रीन में ले लेने के बाद दोस्तों, हमको जाना है नीचे में भी ले लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों, हमको जाना है ऊपर मॉडिफाई का जो ऑप्शन दिया है उसमें जाना है। इसमें ऐड इफेक्ट में, विजुअल इफेक्ट में रिमूव कलर कर देना है। बस दोस्तों, इतना ही होने के बाद आपको ग्रीन कलर का जो वीडियो है वो हट जाएगा। अब इधर हमको कलर में वो ब्रश ले लेना है और उसका टिक कर देना है एक बार ही। बस हो गया दोस्तों, इतने दिन बाद आपको ग्रीन इफेक्ट वाला अप्लाई हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो दोस्तों पसंद आया तो ज़रूर उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। कैमस्टिया दोस्तों बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है ग्रीन इफेक्ट और ऑल वीडियो एडिटिंग के लिए, मैं तो यही यूज़ करता हूँ। सो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।